पहले दोस्तों आप धार की देख सकते हैं, बिल्कुल मोटी धार है जी। धार पाउच तो जी ऐसे है, देखो जी जी, मर्सिबल मोटर की तरह 25 फुट ऊपर चली जाती है भैंस की धार। तो आज की वीडियो में दोस्तों इस भैंस की लाइव मिल्किंग वीडियो लेकर आए हैं। थनों में अभी भी बच्चा छोड़ा है भाई साहब ने, पर कोई भी धार पसमाव नहीं। एक बार भाई साहब, मंजीत भाई साहब आप नीचे बैठ गए, और जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनको दिखा दो जी, क्लियर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये थनों में कोई भी धार पसमाव नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश मिल्किंग वीडियो है। तो ये सबसे पहले मैंने वीडियो में कवर करके आप व्यूवर्स को दिखा दिया है। तो मैं संदीप स्वामी आप सभी भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम स्वागत करता हूं जी। और सभी भाई वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, मिल्किंग वीडियो है, थोड़ी सी लंबी जरूर होने वाली है। तो इस भैंस के बारे में पूरी जानकारी मंजीत भाई साहब से लेंगे। तो मंजीत भाई राम राम। राम राम भाई साहब। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं उन सभी को राम राम। सभी को राम राम जी। देखो दूध इसका आप देखा, हमने जो 15 किलो बताया, अब मिल्किंग कर लो सुबह और कर लो जी। घर में खड़ी है जी बेटी, बाप के घर पे है जी, कोई जी। किसी का फालतू चार्ज नहीं है। अभी हमारी भैंस का दूध देख लिया तो चार्ज दो को जी जी, अच्छी लगे मन पेट भरे तो भैंस लेके जाओ जी, सही है जी। क्यों हमने कोई ना पट्टे नोट तो लेने नहीं जी, नहीं नोट लेंगे हम भी, अगले को अच्छा लगे तो अगला लेके जाएगा। तो मंजीत भाई सबसे पहले यहाँ का प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दो जी। हमारा गांव है नाथावाली जी, और शहर है श्री गंगानगर, स्टेट है जो हमारा राजस्थान है, और हिसार से हमारा जो गंगानगर है वो पड़ता है जी 250 किलोमीटर, सरसा से हमारा गंगानगर है 150 किलोमीटर। अब कई भाई पूछते हैं भी ये गंगानगर कहाँ है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे अबोर से 40 किलोमीटर, बीकानेर से है जो अपना है 250 किलोमीटर जी जी, और दिल्ली से पड़ता है जी 450 किलोमीटर जी जी। दिल्ली से ट्रेन चलती है सरायकेला स्टेशन से 11:45 बजे। हाँ रात को 11:45 है, एक शाम को 6 बजे तिलक ब्रिज है जी, दिल्ली से ही चलती है जी, एक सुबह 1 बजे इंटरसिटी चलती है 14 नंबर प्लेटफार्म नई दिल्ली से जी जी। तो और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना जी 90792 90784। तो ये नंबर व्यूवर्स आपको नीचे स्क्रीन पर मेंशन होंगे। सबसे पहले दोस्तों आप धार की देख सकते हैं, बिल्कुल मोटी धार है जी। धार पाउच तो जी ऐसे है देखो जी जी, मर्सिबल मोटर की तरह 25 फुट ऊपर चली जाती है भैंस की धार जी जी। और पसमाव भी एक नंबर। हाँ जी देखो पसमाव की भी दोस्तों एक नंबर है, बाकी आपको चारों थनों की धार अलग अलग चेक कराकर भी दिखाएंगे। देखो जी हम पहले पैसे दे के आए हैं जी, सोना करके ही लेके आते हैं, हम भी सोचे किसी भाई के पास जाए तो उसको बढ़िया दूध पिलाए पसु। सही सही है। अगला पैसे भर के जाता तो उसका आत्मा ना दुखी हो जी जी। तो खाली बाल्टी भी मंजीत भाई दिखा देना थोड़ा सा। खाली बाल्टी। हाँ जी। तो दोस्तों ये खाली बाल्टी आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगाड़ी के दोनों थनों की जी, अगाड़ी के दोनों थनों की धार दिखा दो। बच्चों दोनों हाथों से बच्चों को बिठा रहे हैं संदीप जी, वो भी ऐसे कहेगा भी इसका दूध तो मैं भी निकाल लूंगा। तो सबसे पहले अगाड़ी के दोनों थनों की धार देख सकते हैं दोस्तों, गोल मोटी नरम धार है, कोई भी भूर छीटा नहीं आप देख सकते हैं। पीछे वाली गोर दिखा दो जी, और अब ये दोनों पीछे वाले थनों की भी धार देख सकते हैं, ये भी गोल मोटी नरम धार की है, कोई भी भूर छीटा नहीं है। अडर में आप नसें उभरी हुई देख सकते हैं जी, निकाल लो भाई साहब। तो पूरी मिल्किंग वीडियो दोस्तों सभी भाई वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा देखें, भैंस के बारे में पूरी डिटेल शेयर करेंगे। एड्रेस आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिला है जो श्रीगंगानगर है, स्टेट है जो राजस्थान है। श्रीगंगानगर जिले से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर भाई साहब का विलेज का नाम है 2 ML नाथावाड़ी। स्क्रीन पर बाकी नंबर दिए जा रहे हैं, भाई साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मंजीत भाई साथ के साथ इस भैंस के बारे में डिटेल शेयर करो जी। भैंस के बारे में गाड़ी देखो जी आपके सामने आती है जी, बढ़िया 2.25 लीटर की इसके लमसम गाड़ी है जी, और 2.5 किलो की जो भैंस गाड़ी होती है ना जी, वो कम से कम 8-9 लीटर टाइम का दूध रखती है। तो आपको पता है संदीप भाई साहब जी जी, जो पुराने आदमी है उस बाकी भैंस में नस्ल बहुत है जी। हाँ जी दिख रही है, लंबाई की काफी शानदार है, फेस की बहुत सुंदर है, और सींग जो प्योर मुर्रा का होना चाहिए वो सींग है। बन्नी बन्नी भैंस बोलते हैं उस हिसाब की भैंस है जी 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 जी। ऑर्डर कम दिखाती है, दूध में अच्छी है। नहीं जी आगे का ऑर्डर है बहुत, ऐसे तो कहाँ से दूध निकाल बाकी देखो, आज कितने दिन की ब्याई है जी? 7-8 दिन की ब्याई है, बाकी खीस में से अभी खाली है, यानी कि 7-8 दिन में तो कौन सा भैंस तैयार भी नहीं होती, कम से कम 15 दिन तो ले लेती है। 7-8 दिन की ब्याई हुई है। बच्चा क्या जी पीछे इसके कटिया जी, M29 की बताया था मैंने, M29। हाँ जी M29 की पीछे फीमेल का आप कटी है। हाँ जी ये देखो इसके 2 लीटर की तो अगाड़ी संदीप भाई साहब। तो दोस्तों अभी अभी आप अगाड़ी देख सकते हैं जी, आराम से जी खुली अगाड़ी आपको दिखाई है सबसे पहले, और इसके बाद में पीछे वाले दोनों थनों की मिल्किंग भाई साहब कराकर दिखा रहे हैं।
7-8 दिन की ब्याई है। अभी दूध कितना है भाई साहब तैयार? 15 लीटर दूध तैयार है संदीप भाई साहब, 15 लीटर मुके का। ये तो सामने आना है, कोई छुपाए से छुपता तो है नहीं दूध जो बताएंगे वो। 15 लीटर ऐसे 15 बता दिया, 10 निकलेगा वो अपने पास काम भी नहीं है जी। जी जी, मुके का दूध रेडी है। इसकी मिल्किंग कोई भाई चेक कर सकता है? कोई भाई चेक करो, बढ़िया देखो लेके जाएगा, पैसे भर के आगे जाके सेवा करेगा तो हमसे 2 लीटर बद ही देगी जी। जी, जी। हमारे पास तो 1-2 दिन पहले आती है, हाथों हाथ सेल हो जाती है, हमने इनको क्या खिला देते हैं। जी जी, लेकिन ठीक है, कोई जानकारी में से आती है तो किसान रिपोर्ट देता है, उस हिसाब से बहुत अच्छी भैंस निकलती है। जी जी, बाकी मेन आजकल विश्वास ही है जी। हाँ जी, तो मिल्किंग वीडियो दोस्तों स्टार्ट है, आप देख सकते हैं चुवाई की 1 नंबर भैंस है, बिल्कुल नरमदार है और धार पसमाव की भी 1 नंबर है, मर्सिबल मोटर की तरह है जी। हाँ जी जी जी, मोटी धार चल रही है। दूध कितना बनाना चाहिए भैंस को जी? देखो जी 17-18 लीटर तो खुला देगी, बाकी सेवा के ऊपर है जी। 17-18 लीटर निकाल देगी, खुला निकाल देगी, बाकी आज की घड़ी 15 लीटर दूध तैयार है। घर रखने के लिए बहुत ही अच्छी भैंस है, याद ही करेगा, एक ब्यात में पैसे डबल करेगी जी। पीछे भी कटड़ी है? हाँ जी, पीछे भी कटड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव में है। तो मिल्किंग दोस्तों आपके सामने चल रही है, बिल्कुल फ्रेश मिल्किंग वीडियो आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। ब्यात दूसरा है? दूसरा ब्यात है जी इसका। दूसरे ब्यात में 7-8 दिन की ब्याई हुई है, पीछे इसके फीमेल का कटिया है, 15 लीटर मौके का दूध तैयार है, बाकी आपको दूध निकाल कर भी दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और शुरुआत में मैंने वीडियो में भैंस को मतलब कोई भी थनों में धार पसमाव नहीं है वो भी आपको वीडियो में कवर करके दिखा दिया था। और मंजीत भाई रेट क्या है जी इसका? इसका 95,000 रुपये 500 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट फ्री है जी। 95,000 रुपये 95,000। हाँ जी 95,000 रुपये दोस्तों घर पहुंच, इसका प्राइस है 500 किलोमीटर तक। मिल्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, भैंस ने बाल्टी ऊपर तक फुल कर दी आप देख सकते हैं, और बाल्टी भी बड़ी है, छोटी बाल्टी नहीं है आप देख सकते हैं। कोई भाई ये ना सोचे भी 2 टाइम का दूध 1 टाइम में दिखा रहे हैं जी, इससे किलो सुबह प्लस देने वाली चीज है ये। जी जी ठीक है, वो तो जानकार है, वो तो देखकर भैंस को समझ गए, जब बच्चा छोटा था उसी समय पता चल जाता है जी। जब बच्चा मैं तो ये कह रहा हूँ भी अड्डर तो दिखाई नहीं दी फिर भी दूध निकाल रही है। जी जी, तो यही तो गंगानगर की खास बात है जी, बच्चे के लिए भी दूध छोड़ देना भाई। चलो जी 1/2 किलो 3 पा दूध छोड़ दिया जी। जी जी, बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं ये बाल्टी कंप्लीट फिल करके आपको दिखा दिया, और बाकी बच्चे के लिए भी दूध आप थनों में देख सकते हैं छोड़ा गया है, और बाल्टी आप देख सकते हैं 95,000 रुपये रेट है। 95,000 घर पहुंचे जी। तो मिल्किंग वीडियो आपको कंप्लीट करके दिखा दी है, ये देख सकते हैं खुद उपस्थित होकर भी मिल्किंग चेक कर खरीद कर लेके जा सकते हैं। बहुत एक तो भैंस है, अकेली भी अगर कोई भाई रखेगा ना तो बढ़िया जी लगाएगी। जी जी, ऐसे नहीं है अभी कोई भाई अपने कह दे अकेली भैंस है जी नहीं लगाएगी, जहाँ खड़ी कर दोगे ना वहीं खड़ी रहेगी, इसको मतलब नहीं है किसी से। तो धन्यवाद भाई साहब, राम राम। राम राम जी।